प्रदेश और उज्जैन जिले में कोरोना वायरस से पीड़ित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए सोमवार से महाकाल मंदिर में अब मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का मंदिर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। वहीं शहर में रविवार को पूर्णतः लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जैसे कि जारी है। इस दौरान शहर में आम श्रद्धालु भी महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल के दर्शन नहीं कर सकेंगे। जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को एक आदेश जारी किया गया, जिसमें श्री महाकालेश्वर मंदिर में मध्य प्रदेश के बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं का प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया। यह आदेश सोमवार से प्रभावशील माना जाएगा, जबकि रविवार को उज्जैन जिले में टोटल लॉकडाउन की घोषणा के अनुसार आम श्रद्धालु महाकाल मंदिर में भी दर्शन के लिए नहीं जा सकेंगे। हालांकि उक्त आदेश पंडे पुजारियों के लिए नहीं दिया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश सहित उज्जैन में पिछले एक सप्ताह से कोरोना संक्रमण से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं। अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से महाकाल मंदिर में केवल मध्य प्रदेश के रहवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा, वहीं देश के अन्य प्रदेश से आने वाले श्रद्धालुओं पर प्रतिबंध रहेगा। गौरतलब है कि श्रावण मास के चलते महाकाल मंदिर में ऑनलाइन परमिशन लेकर मध्य प्रदेश के साथ साथ अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बढ़ते हुए संक्रमण की रोकथाम के लिए यह निर्णय लिया गया है। देखिए, उज्जैन में पिछले कुछ दिनों पहले जो कोविड पॉजिटिव उनकी संख्या में काफी कमी आई थी, जीरो तक भी आ रहे थे, लेकिन पिछले 10-12 दिनों में कोविड पॉजिटिव की संख्या बढ़ी है। ऑन एन एवरेज 10 से 12-13 लोग रोज अभी पॉजिटिव निकल रहे हैं। उनका जो एनालिसिस हमारा कहता है कि ये अधिकांश लोग वही है जो बाहर से आ रहे हैं या बाहर से आने वाले लोगों के संपर्क में है, तो इसलिए शहर की सुरक्षा के लिए ये बहुत ज़रूरी था। महाकाल मंदिर प्रबंध समिति ने आज ये निर्णय लिया है कि जो मध्य प्रदेश से बाहर के श्रद्धालु हैं, अभी उनके लिए हम दर्शन प्रतिबंधित कर रहे हैं। जो ऑनलाइन मोबाइल ऐप के जरिए हम बुकिंग कराते थे, तो उसमें हम एक संदेश डाल रहे हैं उन लोगों के लिए कि कृपया करके अभी आप बुकिंग ना करें जो मध्य प्रदेश से बाहर के हैं, और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उसमें भी जब वो कॉल करेंगे तो उनके संबंध में हम अवगत करा देंगे, और जब परिस्थितियां ठीक होंगी तब हम पुनः इसके ऊपर निर्णय लेकर उनको सबको अवगत कराएंगे। सर, इसमें जो बाहर से जनप्रतिनिधि आते हैं या कोई बड़ा मंत्री आता है तो उसके लिए प्रवेश निषेध? अभी जो निर्णय हुआ है उसमें यह है कि मध्य प्रदेश से बाहर के जितने भी लोग रहेंगे उनके लिए प्रतिबंधित है, फिर निर्णय परिस्थिति के अनुसार में लिया जा सकता है। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।